सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर मॉर्गन अपनी 65 साल की पार्टनर फ्रांसिस के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में उन्होंने खुद को आधे इंसान और आधे मशीन में ढालने का काम शुरू किया था, जिसके बाद आज वे न केवल जिंदा हैं, बल्कि पहले से अधिक संपन्न भी हैं। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि जीवन में ज्ञान और तकनीक के सहारे बहुत सी खराब चीजों को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक परिवर्तनशील साइबोर्ग के रूप में मेरा जीवन की समग्र गुणवत्ता असाधारण है। साइबोर्ग दरअसल एक साइंस फिक्शन कॉमिक का कैरेक्टर है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है। उन्होंने कहा कि आधा मशीन होने के बाद भी मेरे पास प्यार है, मैं मस्ती करता हूँ, मुझे उम्मीद है, मेरे पास सपने हैं और मेरे पास उद्देश्य भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे से कोई पिछले 4 साल की सबसे अच्छी बात पूछता है तो मेरा जवाब यह है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। डॉक्टर स्कॉट मॉर्गन ने केवल अपनी आंखों का उपयोग करके कई कंप्यूटरों को नियंत्रित करने में सक्षम करने के लिए आई ट्रैकिंग तकनीक की खोज की है। वो वेंटिलेटर से ही सांस ले सकते हैं। उन्होंने रोबोट में फाइनल ट्रांसफॉर्म होने के दौरान अपनी आवाज को खो दिया था। उन्होंने एक लरिंजेक्टोमी करवाई, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी शारीरिक आवाज खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने लार को फेफड़े में जाने से बचाया है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। आपको बता दें कि रोबोट्स की पूरी हिस्ट्री और ये पीटर स्कॉट मॉर्गन की कहानी आपको देखने को मिलेगी रोबोट 3 में। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।